हमारी माता जी हैं और वो उनका बेड नहीं मिला और कोई इलाज यहाँ पे बढ़िया से ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन को बहुत प्रॉब्लम ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन नहीं मिला, उन्होंने दम तोड़ दिया आधा घंटे पहले। ऑक्सीमीटर से पल्स नापा जा रहा है, ना ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है, ना कुछ, वैसे ही मरीज को छोड़ दिया। यहाँ हर मिनट कोई ना कोई मर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश के किसी भी जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह देवरिया जिले के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी के हालात देखकर आपका दिल दहल जाएगा। देवरिया जनपद के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मरीज दम तोड़ रहे हैं। यहाँ जिला अस्पताल के इमरजेंसी में हर दिन सैकड़ों मरीज सांस फूलने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के मरीजों के लिए बेड मिलना तो दूर, जमीन पर भी जगह नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं यह सभी सांस के मरीज हैं। वहीं अधिकारी यहां अव्यवस्थाओं पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यही देवरिया सदर में आए, 2 बजे हम लोग चले थे घर से, यार यहां 3 बजे पहुंचे हैं और 3 बजे आए तो कोई मतलब देखा नहीं। 5 बजे हम लोग की एंट्री हुई है, वही सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया गया और नीचे भी लेटा दिया गया, कोई ट्रीटमेंट उसके बाद से कोई देखने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ना ऑक्सीमीटर से पल्स नापा जा रहा है, ना ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है, ना कुछ, वैसे ही मरीज को छोड़ दिया। यहाँ हर मिनट कोई ना कोई मर रहा है। अभी हम अंदर बॉडी लेकर पड़े हुए हैं, एम्बुलेंस देख रहे हैं कि मिल जाए तब लेकर जाएंगे, अभी एम्बुलेंस नहीं मिला है। इस सरकारी अस्पताल में COVID-19 से बचने के लिए सुविधाओं का घोर अभाव है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले मरीज भगवान भरोसे हैं। लाल बाबू, नमामि भारत, देवरिया।